दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्माइली टेडी एडू में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट टू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ट्रेडर ने दो LED सेट सेम प्राइस में बेचे और एक में से 20% का प्रॉफिट, दूसरे में से 20% का लॉस हुआ, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? इजी है, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम रेशियो मेथड से करेंगे और फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, 20% का क्या मतलब होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब एक साइड तो ये पाँच क्या है आपका CP है, एक साइड तो उसे प्रॉफिट हो रहा मतलब प्लस, दैट इज़ 6, और दूसरी साइड उसे लॉस हो रहा मतलब SP 4 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CP SP का रेशियो। ठीक है, रेशियो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेट, यहाँ पे आपका सेकंड सेट। ये पाँच की चीज़ थी, छः में बेच दी, पाँच की चीज़ थी, चार में बेच दी। छः और चार को यहाँ पे कहा है कि सेम प्राइस में बेचे हैं। ठीक है, तो इन्हें सेम करना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 12। जब आप कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। मतलब दोनों LED सेट को उन्होंने 25 में ख़रीदा और 24 में बेच दिया, मतलब एक का लॉस हुआ है। एक का लॉस कितने में हुआ है? तो मतलब यहाँ पे लॉस परसेंट ही निकलेगा। एक का लॉस हुआ है 25 में इंटू 100, तो यहाँ से भी पता चल गया कि इससे 4% का लॉस हुआ है। माइनस का मतलब यहाँ पे लॉस परसेंट है। ठीक है, ये तो था आपका रेशियो मेथड। अब अगर इसे हम फॉर्मूले से करें, तो फॉर्मूला कहता है कि अगर दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें सेम चीज़ें ना, अगर उनका क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस सेम हो, है ना, कॉस्ट प्राइस की बात नहीं कर रही हूँ, सेलिंग प्राइस सेम हो, और एक में आपको 20% का गेन हो रहा हो और दूसरे में 20% का लॉस हो रहा हो, तो ओवरऑल आपको क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस कितना होता है उसका परसेंटेज के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, लॉस परसेंटेज। हम जो अप्रोच अभी हमने ये किया और बेसिक है, उसी से ये डेराइव किया गया है। तो x²/100% होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का मतलब है ये लॉस और प्रॉफिट परसेंट। जैसे 20% यहाँ पे दिया है, 20% यहाँ पे दिया है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, और अपॉन 100, सो इट्स 4% लॉस। 4% लॉस, माइनस मीन्स लॉस। ठीक है, 4% आ रही है आपकी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बाय सेलिंग 150 पेंस, अ मैन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 45 पेंस, व्हाट वाज हिज गेन परसेंट? 150 पेन बेची और उससे कितने पेन का क्या बोलते हैं गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 45 पेन का। तो 45 पेन का गेन हुआ है, ये इन टर्म्स ऑफ मटेरियल बात हो रही है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, हम पेन की टर्म्स में बात करेंगे इसको। यहाँ पे आपने देखिए 150 पेंस, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो गेन हुआ होगा, मतलब पेंस ज़्यादा होंगी सेलिंग प्राइस में। ठीक है, तो 150 - 45, ये गेन वाली चीज़ है इसलिए माइनस कर रही हूँ, यहाँ से 105 आ जाएगा, यही आपका कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हो गया, अब आपको बस गेन परसेंट ही बताना है। गेन परसेंट यहाँ पे आपके पास गेन दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको आपने निकाल दिया है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5 से 1 है ये। 5 9 जो 45, 5 21 जो 33 जो 9, 37 जो 21, 300/7 कितना होता है? 300/7, 7 4 जो 28। ठीक है, 7 4 जो 28, 20 बचा 20, 7 2 जो 40, 6/7%, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आइटम फॉर ₹2,000 सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग सेम आइटम फॉर ₹1,500, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 12% प्रॉफिट? कह रहा है कि जब एक सेलर ने 2,000 में कोई चीज़ बेची, ठीक है,
तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो सेम है जब उसने उसी चीज़ को 1500 में बेच दिया उसके लॉस के बराबर। तो आपको बताना है, मतलब इसके लिए पहले आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि आप कितने में बेचे कि आपको 12% का प्रॉफिट हो। बेसिक से कर सकते हैं, बेसिक से क्या बोल रहा है ये, 2000 प्रॉफिट हुआ है ना 2000 में, इसीलिए पहले 2000 लिखा मैंने, और यहाँ पे लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस माइनस 1500 होगा। लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, ये बेसिक्स तो आपको पता होंगे। ऐड करेंगे 3500 आ जाएगा, उधर 2 CP हो जाएगा, यहाँ से आपका CP आ जाएगा 1750। अब आपको क्या करना है, कितने में आप बेचो कि आपको 12% का प्रॉफिट हो। ठीक है, 12% के लिए SP के लिए करेंगे। 12% का क्या मतलब होता है, 12% का मतलब होता है 3/25, और जब प्रॉफिट हो रहा हो तो 25 की चीज़ मतलब 28 में बेच दी, 28 25 ऑफ कॉस्ट प्राइस 25 7 टाइम्स है ना, 7 8 जब 56, 7 2 जब 14, 1960 रुपीज़ का बेचना पड़ेगा आपको 12% प्रॉफिट पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ज्वेल वॉज सोल्ड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स एंड ऑन होल इट्स प्राइस रेज बाय 80%। द फर्स्ट सेलर अर्न्स 20% एंड सेकेंड सेलर अर्न्स 25% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय थर्ड सेलर। तीन बेचने वालों के हाथों से गई चीज़ें, उसका जो रियल कॉस्ट प्राइस था उसको जब उसने थर्ड सेलर ने भी उसको क्या किया, बेच दिया, तो 80% बढ़ गई, तो ओवरऑल 80% बढ़ गई है। 80% का मतलब होता है 4/5, मतलब जब उसको खरीदा होगा, जब उसको जो कॉस्ट प्राइस रही होगी 5 रहा होगा, और जब वो लास्ट में बिकी तो 9 हो गई। यहाँ पे फर्स्ट सेल करने वाला, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वाले के लिए 9 की 9 उसकी SP होगी। पहले मैं कहा कि फर्स्ट सेलर ने 20% का प्रॉफिट अर्न किया, 20% का मतलब 100 बार बता चुकी हूँ मैं आपको, 1/5 होता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 1/5 मतलब 6/5। 6/5 किसका, जब हम सीधा SP निकालते हैं ना तो 6/5 लिख सकते हो। हाँ, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 5 का 1/5 निकालते इसका, और फिर जो आएगी वैल्यू उसे ऐड करेंगे तो वो भी SP निकलेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो 5 6/5 का हो जाएगा आपका 6, मतलब इस सेलर ने क्या, ये 5 की चीज़ खरीदी, 6 में बेच दी। अब इसने 6 में वो करी है, ठीक है, छः में सेकंड वाले के लिए कॉस्ट प्राइस है, और पर इसे प्रॉफिट हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ 6 देखेंगे हम, क्योंकि इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 6 कॉस्ट प्राइस है। तो 25% 25% 1/4 होता है, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए 1/4 में प्लस मतलब 5/4। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो 5/4 का प्रॉफिट है, बट रियल में हम 6 का क्रॉस करके देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7.5, 7.5 पॉइंट है, 7.5। ठीक है, मतलब सेकंड वाले के लिए ये क्या थी, SP थी, पर थर्ड वाले के लिए CP थी, क्योंकि ओवरऑल तो 9 में बेचा गया है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1.5 का आ रहा है। 1.5 का हम देख सकते हैं कि 7.5 में उसने खरीदी और 9 में बेच दी, तो उसे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको गेन परसेंट निकालेंगे, 7.5 का CP था। सो योर आंसर विल बी 15 5 जा 20, तो 20% का गेन हुआ है थर्ड वाले सेलर को, 20% है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय अ वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट ₹3,200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग द सेम गुड्स एट 3,000। कॉस्ट प्राइस क्या होगा गुड्स का ये पूछा है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ उससे पहले मैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एक साइड प्रॉफिट और साइड हो रहा था उसी चीज़ में और एक साइड लॉस हो रहा था, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जब जैसे एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में लेफ्ट और राइट साइड होती है, एक साइड इंक्रीज होता है एक साइड डिक्रीज होता है। ठीक है ठीक है, प्रॉफिट ऑब्टेन बाय वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स। ठीक है थर्ड, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहाँ चली जाती है इंक, भाग जाती है। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि एक साइड तो उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है और एक साइड लॉस होता है। तो जैसे हम टाइम एंड डिस्टेंस में सीखते हैं ना कि जैसे अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं तो ऐड होते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे जब उसे एक साइड प्रॉफिट हुआ तो ये और ये चीज़ों एक दूसरे पे ऐड हो जाएंगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से देखें तो ये यहाँ तक जा रहा है माइनस तक, यहाँ प्लस तक की वैल्यू में जा रहा है, तो दो बार ट्रेवल कर रहा है वो, तो इसीलिए ने ऐड कर दिया। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस में एक और चीज़ देखते होंगे कि इतने बजे निकला तो इतने मिनट लेट हो गया, इतने बजे निकला तो इतनी जल्दी पहुंच गया, उन दोनों के बीच में हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है वहाँ पे ऐड होता है, वैसे ये भी। और ये कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखें तो कॉस्ट प्राइस को तो दो बार ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक बार प्लस साइड एक बार माइनस साइड, तो जो भी आप ऐड करके निकालते हो वो 2 CP के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, जब वो बेच रहा है तो 3,200 इक्वल टू 7/5 ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग द सेम गुड्स। ठीक है दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है। अब वही है सेम डायरेक्शन, प्रॉफिट प्रॉफिट की भी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे माइनस होगा। और इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है, 7/5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में हमेशा क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जैसे 30, अगर इसे हम बेसिक में लिखेंगे तो क्या होगा, 3,200, 3,200 है ना, माइनस कॉस्ट प्राइस 7/5, प्रॉफिट हो रहा है थ्री थाउजेंड माइनस CP हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या करना था आपको, जिसके सामने है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे डायरेक्ट इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना था, है ना। या डायरेक्ट नहीं करते तो आप सीधा 5 से 3,200 को कर देते, 7 से इसको कर देते, जहाँ पर नहीं करते तो 16,000 आ जाता इधर, और इसको 7 से करते 21,000 आ जाता है। अब क्या करें मैम, अब कुछ नहीं करेंगे। अब जब यही वाला कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सीधा माइनस करेंगे, आ जाता है यहाँ पे 5,000। अब मैम ये 5,000 किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस का क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस को तो ट्रेवल करना पड़ रहा है ना दो बार, ठीक है, बट सेम डायरेक्शन में कर रहा है। अब ये 7 और 5 यहाँ हो गए तो ये कॉस्ट प्राइस के साथ भी तो होंगे, तो 5 CP 7 CP, ठीक है। अब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ भी माइनस ही तो आएगा, इसीलिए 2 CP के बराबर हो जाएगा ये जो वैल्यू आई है, तो यहाँ से आपका CP आ जाएगा, कितना आएगा 2,500। ये तरीका इजी था कि नहीं था, आपको टाइम एंड डिस्टेंस के हिसाब से सोचना था। बाकी बेसिक भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन तेज़ है और आप समझ पा रहे हैं कि आपको किसको किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पहले उन्हें ऐड कर देना है, फिर किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर सीधा डिवाइड कर देना है, बस 3 स्टेप भी नहीं लगेंगे जिसकी अच्छी कैलकुलेशन होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे लगा के देखिए वही कॉन्सेप्ट आप। हाँ देखिए एक साइड हो रहा है प्रॉफिट, एक साइड हो रहा है लॉस, ठीक है। डायरेक्ट बताया ना प्रॉफिट और लॉस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐड करें आपने इसको, ऐड कर दीजिए 6,265,6, ठीक है। और मैंने कहा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस लेफ्ट भी जा रहा है, कॉस्ट प्राइस राइट भी जा रहा है, 2 CP के बराबर हो जाएगा। 2 CP के बराबर हो गया तो CP यहाँ से हो जाएगा 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, 2, 8 जा 16। अब आपको क्या करना है,
क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है, 1/4 एंड 50% इज हाफ, आंसर विल बी 41 रुपीज़। ठीक है, 41 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इजी था ये वाला, आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा। हाँ, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन है, आ जा भाई आ जा। बोला सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाता है तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है, इसका ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? अब प्रॉफिट का मतलब हमने 100 बार पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। अगर ये ओरिजिनल में प्रॉफिट पी है, सेलिंग प्राइस एस पी है और सी पी है, सी पी तो सेम ही रहेगा जब सेम चीज़ की बात हो रही है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एस पी को हम ट्वाइस कर दें, ठीक है, और सी पी तो वही रहेगा, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इसीलिए फिर माइनस कर रहा है, और 4P हो जाएगा जब उसने बोला कि सेलिंग प्राइस को दुगना करने से प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। तो बस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वही करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -2SP माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, माइनस था 2SP और मिस एस पी गया, तो -SP -SP, और यहाँ हो जाएगा -3P, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से एस पी और पी का रेशियो आ जाएगा 3:1। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी। ठीक तो है, सेलिंग प्राइस 3P SP, ठीक है 3, हाँ प्रॉफिट ही तो है 1। मैं उसे समझ रही हूँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस छोटा हो गया। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 3 है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 2। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कितना रहा होगा, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट आपका रहा होगा 1, कॉस्ट प्राइस 2 × 100, 50 रहा होगा, 50% का प्रॉफिट परसेंट आपका रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या कह रहा है, पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹660 मोर, ही वुड हैव गेन 8%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 12%। 16%, 16% मतलब 4/25 होता है 16%। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि लॉस हो रहा है, 660 मोर का यूड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम दूसरी तरीके से करेंगे, 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, इतना डेली प्रोसेस क्यों करना है। ठीक है ठीक है, पर्सन सोल्डर, ठीक है ठीक है ठीक है, हम इसे 100 से करते हैं। 100 कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस जब यहाँ पे लॉस हुआ है, तो 100 − 16 = 84। कह रहा है अगर वो इसे 660 मोर, ₹660 और ज़्यादा की बेचता, ठीक है, तो उसे 8% का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होता मतलब 108 उसका एसपी होता। अरे 660 का क्या मतलब है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 660 के बराबर होगा, 0 है ये, 24, तो 1:1 कितने के बराबर होगा, 1:1 निकालना होता है हमें। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही गचड़ पचड़ हो गया है। वन रेशियो हो जाता है 660/24, मतलब 110/4 हो जाता, 110/4, ये 1:1 होता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा आपका 110/4
इंटू 100 ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा। और क्या कहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इतना लेंदी प्रोसेस क्यों करना है, जब ये कैंसिल होंगे लास्ट में। तो सेलिंग प्राइस नया वाला जिसमें 12% का प्रॉफिट होने वाला है, 12% का मतलब क्या होता है, 3/25। हमें क्या करना है, गेन करना है। गेन करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 28/25 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऊपर दिया है 110/4 × 100। 25 4 जा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 28 × 110 आपका आंसर होगा रुपीज़। थ्री ज़ीरो 3080 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ एक्स परसेंट ऑन मार्क प्राइस आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹331.2। अगर मार्क प्राइस 920 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा है कि एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100%, ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट है आपका। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, फॉर्मूला होता है। अच्छा, से पहले हमें क्या काम करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है रियल वाला। यहाँ पे आपको बोला है कि डिस्काउंट कितना है, 331.2 है और मार्क प्राइस 920 है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट होगा 920, डिस्काउंट तो आपको दिया है, सॉरी डिस्काउंट दिया है, सो डिस्काउंट है 331.2। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, अपॉन में रखिएगा 920 × 100 करेंगे, × 100, ठीक है, आंसर आ जाएगा 36%। 36% का डिस्काउंट आपको मिला है, इसकी जगह रख लीजिए डिस्काउंट परसेंट की जगह डिस्काउंट 36%। अब या तो आप इसको 2x - x² / 100 करके, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करिए, ठीक है, फिर जो आंसर होगा वो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से देखकर कर सकते हैं ऐसे कि कौन सी वैल्यू इसको जल्दी सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम इसमें 20 देखें, तो अगर 20 + 20 बाय ऑप्शन कर रही हूँ मैं, ठीक है, 20 × 20 इज 400, अपॉन 100 इज 4, तो 20 × 20 = 40, 40 - 4 तो हो गया 36%। तो अगर इसे हम जब इतना कर लेंगे उसके बाद बाय ऑप्शन चलें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर इससे आपका टाइम ज़्यादा बचेगा। हाँ, चार ऑप्शंस को चेक करना थोड़ा लेंदी होता है, बट अगर वो इंटीजर्स की फॉर्म में हो तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी की 20 20। अगर यहाँ पे 30 दिया था, 30 30 + 60, ठीक है, और 30 × 30 कितना होता है, -9 हो जाता, डायरेक्ट हो सकता था। तो ये अप्रोच ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से, बाकी आपके ऊपर है, इसी कीजिएगा। अपनी प्रैक्टिस इतनी बढ़ा लीजिए इस चीज़ में कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस ही चलेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी टाइप्स हैं जो कवर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।